हरे कृष्ण। तो आज जो श्री श्री राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम जो श्रीमती राधा रानी के विषय में जो चर्चा कर रहे, वो हम आज भी करेंगे। और सबसे जो मुख्य बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है, तो उसके आधारित हम कुछ पढ़ेंगे। और हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जो किताब है, ये राधा रानी के ऊपर, उसके ऊपर में हम जो है वो पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे तो कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम जो है वो इतना इतनी महान है कि स्वयं भगवान भी उनको उसको अनुभव करना चाहते हैं, और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर जो है वो अवतारित हुए। तो आज हम श्री श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य का चर्चा करेंगे। और श्रीमती राधा रानी की कृपा पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो क्यों और कैसे वो हम समझने की कोशिश करें। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 56। राधा कृष्ण एक आत्मा हुई देह धारी, अन्योन्ये वेलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक है, राधा तथा कृष्ण एक है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा कृष्ण एक है, एक ही आत्मा है। उन्होंने वह देह धारे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। किसके लिए? अन्योन्य विलसे विलसे रस आस्वादन करी। तो ये प्रेम रस का आस्वादन करने उन्होंने एक दूसरे का उपभोग करना चाहा। तो ये यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार से प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं ये दो शरीर धारण करके। नहीं तो भगवान श्री राधा और कृष्ण एक है, उन्होंने दो शरीर धारण किया है। और फिर हम देखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे फिर से एक हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण एक ही है। तो श्री
भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने श्रीमती राधा रानी का गोलोक में प्राकट्य। तो आज हम श्रीमती राधा रानी का किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी गोलोक में प्रकट हुई ये हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पढ़ूंगी और थोड़ा मैं कोशिश करूंगी हिंदी में उसको अनुवाद करने के लिए। In Golok Vrindavan, there is a place called Rasa Mandal. बहुत सुंदर स्थान है Golok Vrindavan. Golok Vrindavan में स्थान है Rasa Mandal. On one side of the Rasa Mandal, there is a mountain called Satashringa. सत्यशिंग नाम का एक सुंदर एक पहाड़ है। कहाँ पे? इस रासमंडल के एक ओर एक सुंदर पहाड़ है। तो ये सत्यशिंग पेड़ पहाड़ जो है वही पहाड़। दिस माउंटेन अपियर्ड इन भूलोक एज गोवर्धन। तो ये वही पहाड़ जो है माउंटेन इस धराधाम में गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ है। इन वृंदावन देर आर नाइस गार्डन्स ऑफ मालती एंड मलिका फ्ला। बहुत सुंदर वन है उपवन है वहां पे श्री गोलोक वृंदावन में। एंड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बाय हुज मेयर डिजायर एवरीथिंग हैपेंस वाज सिटिंग इन दैट गार्डन ऑन अ ब्यूटीफुल रत्न सिंहासन। तो भगवान जो है इस सुंदर स्थली रसमंडल स्थान में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है जिनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है वे इस सुंदर स्थान में रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे थे। और जैसे जैसे ही वे वहां पे बैठे थे उनके मन में इच्छा हुई भोग करने की आनंद की इच्छा हुई। He had the desire to enjoy. And as soon as that desire came to his mind, और जैसे ही भगवान ने सोचा कि मुझे आनंद अनुभव करना है तो उन्हीं के शरीर से उनकी बाई ओर के शरीर से एक सुंदर देवी उत्पन्न हुई। He had a desire to enjoy, and as soon as this desire came to his mind, immediately from his left side appeared a beautiful Devi. So, ye sundar Devi prakat hui. She was decorated with very valuable jewels and wore cloth purified by fire. She was dazzling like millions of moons. Bahut hi sundar Devi. बहुत ही करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा तेजस्वी स्वर्ण शरीर वाली और उनका तेज जो है पूरी तरह से फैल रहा था और बहुत सुंदर दिखने में। When she smiled, her teeth were very attractive. Her face defeated the beauty of the lotus flower in autumn. She was wearing a flower garland of malti flowers and a diamond necklace. तो उनके गले में सुंदर माला मालती फूलों की माला और उनके गले में जो है हीरो का एक सुंदर हार भी था। इस प्रकार से वे जो है प्रकट होकर
भगवान श्री कृष्ण के पास वो रत्न सिंहासन में जो है बैठी हुई दिखाई दी। तो ये श्रीमती कौन थी? श्रीमती राधा रानी। दस द लॉर्ड अपियर इन टू फॉर्म्स। भगवान जो है इस प्रकार से दो रूप में अपने आप को विस्तारित किए। उनके बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी और उनके दाहिनी ओर से स्वयं भगवान जो है प्रकट हुए। सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ हिज बॉडी अपीयर्ड श्रीमती राधा रानी एंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी बॉडी अपीयर्ड श्री कृष्णा। व्हेन लॉर्ड श्री कृष्णा सॉ राधिका ही वांटेड टू एंजॉय विथ हर। नोइंग दिस हर फॉर्म बिकेम इवन मोर ब्यूटिफुल। और भगवान के साथ जब भगवान उनके साथ आनंद रसास्वादन करना चाहते थे तो श्रीमती राधा रानी का रूप और भी और जो है खूबसूरत हो गया। फॉर्म बिकेम इवन मोर ब्यूटिफुल। इमिडिएटली शी रैन टू पिक फ्लावर्स टू ऑफर टू द लोटस फीट ऑफ श्री हरि। तो इस प्रकार से जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ तो श्रीमती राधा रानी जो है दौड़ के भगवान के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पण करने के लिए वो जो है दौड़ के गई। बिकॉज शी अपियर इन द रास मंडल एंड इमिजिएटली रैन टू सर्व द लॉर्ड बाय पिकिंग फ्लावर। क्योंकि वैसी रास मंडल में प्रकट हुई थी और क्योंकि वे तुरंत भगवान की सेवा के लिए दौड़कर भगवान के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पण करने के लिए वे दौड़ के गई, इसीलिए उनका नाम जो है राधा पड़ा। रा का अर्थ है रास मंडल। रा रिप्रेजेंट्स द रास मंडल एंड धा रिप्रेजेंट्स धावमान, मतलब दौड़ना, रनिंग, धावमान। तो इसीलिए उनका नाम जो है राधा। तो बिकॉज शी अपियर्ड इन द रास मंडल एंड वॉज रनिंग धावमान टू द लॉर्ड व्हेन शी सॉ हिम वेरी एंथुजियास्टिकली टू एंजॉय रमन हर नेम इज राधा। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य जो है स्वयं भगवान के शरीर से श्री गोलोक धाम में हुआ, गोलोक धाम में हुआ था। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धारी। किस प्रकार से जो है भगवान उनके शरीर से सौंग राधा तथा कृष्ण एक है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरों का उपभोग करते हैं। और वो कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे। पर एक सुंदर भजन है जो इस सुंदर दृश्य को प्रकट करता है, उसको हम गाएंगे।
भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित जानते हैं हरे कृष्ण। इस प्रकार से राधा कृष्ण एक है और उन्होंने वो शरण धारण कर रखे हैं, इसके लिए प्रेम का आस्वादन करने हेतु तो श्रीमती राधा रानी
प्राकट्य जो है उनका कारण ये है कि राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद का को बढ़ाती रहती है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की क्या है, अंतरंगा शक्ति है, और ये अंतरंगा शक्ति होने के कारण वे जो है निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती है। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी जो है उनके नाम से ही ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण के विलास की सर्वो शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की इस सुंदर प्रेम, जैसे कि भगवान यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। भगवान जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अगर भगवान जो है प्रेम का अनुभव श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, क्या है? कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। तो अगर जैसे कि भगवान के अंदर जो प्रेम है उस प्रेम को बाहर जब प्रकट हो जाता है, जो प्रेम भगवान के अंदर जो प्रेम है जब वो बाहर प्रकट हो जाता है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। वे इलाहादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा मतलब वो भगवान की जो है अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अंदर की जो शक्ति है। तो भगवान को अगर हम प्रेम करना चाहते हैं और भगवान के प्रति हम प्रेम जो व्यक्त करना चाहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी के द्वारा और श्रीमती राधा, और वो प्रेम क्या है, वो कैसे हम समझे, वो हम समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी के द्वारा, क्योंकि वे जो भगवान के प्रेम के की जो है रूपांतर है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लव ऑफ श्री कृष्ण। जैसे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान जो है हमसे आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान के हृदय में क्या है वो कैसे जाने? तो वो जो है भगवान स्वयं जो है श्रीमती राधा रानी को बाहर प्रकट करके, जैसे मन की बात क्या है कैसे पता लगे जब तक वो बाहर ना आए, तो इस प्रकार से भगवान के हृदय के अंदर जो बात है, वो प्रेम जो है, वो प्रकट जो है का माध्यम, प्राकट्य का जो माध्यम है वो श्रीमती राधा रानी है। और वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम भी है। श्रीमती राधा रानी जो है जीव के प्रेम को, हम जो है जब हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है अगर हम भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो माध्यम चाहिए,
तो वो माध्यम क्या है? श्रीमती राधा रानी। वे जीव के की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम है, इसीलिए वृंदावन में के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। तो हम देखते हैं साक्षात कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो सब जगह जो है भगवान कृष्ण का नाम ज्यादा कोई लेता नहीं, सब जगह श्री राधा, राधे राधे, राधे राधे, सब जगह, सब जगह हम देखेंगे, चाहे वो पेड़ पे रखा हुआ है श्री राधा या सब दीवार पे रखा हुआ है श्री राधा, सब जगह जाएंगे, जो भी है, जो भी मिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं वृंदावन में, जो है सारे जगह जो है श्रीमती राधा रानी का ही नाम, और श्रीमती राधा रानी को ही पुकारते, क्योंकि ये रहस्य है कि किस प्रकार से अगर हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो माध्यम श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान तक पहुंचना डायरेक्टली बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकते, लेकिन कठिन। बट जब श्रीमती राधा, वैसे वृंदावन में हर सगर गुनगुनाते हैं ना, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, सब जगह गाते रहते हैं, सब लोग राधे राधे बोलते रहते हैं, राधा रानी का नाम बोलते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रेम की प्रतीक है, श्रीमती राधा रानी भगवान तक हमारी सेवा, भगवान तक हमारा प्रेम पहुंचाने का माध्यम है, इसीलिए वृंदावन में भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। तो इसीलिए जो है जब राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, जब सब श्रीमती राधा रानी भक्त से प्रसन्न हो जाती है, तो भगवान जो है तुरंत स्वीकार करते, मैं सोचेंगे नहीं, वे तुरंत उस जीव की सेवा को वे स्वीकार करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम भगवान जो है स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा रानी जो है माध्यम है, और इसीलिए सब जगह जो है श्रीमती राधा रानी की पूजा, खास करके ब्रज में सब जो है श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं। तो अब श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और ये अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति तीन दिव्य विभागों में प्रदर्शित करती है। तो ये तीन विभाग है, तीन प्रकार की अंतरंगा शक्ति या तीन विभाग है, इन तीनों शक्ति के जो है प्रदर्शन। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना जरूरी है कि इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है, विशुद्ध सत्व। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो इन भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतएव भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं
इस भौतिक जगत में, तो भगवान की लीला है तथा उनका स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि वैदिक शास्त्र में बतलाया है कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि भगवान जब आनंद का रस आस्वादन करना चाहते हैं तो वो उनके शरीर से ही जो है उनकी आनंद इलाधनी शक्ति जो है वे स्वयं प्रकट कर सकते हैं। उनको कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, वे आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। ये दो बातें बहुत जरूरी है जानने के लिए। नहीं तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं खास करके श्रीमती राधा रानी के साथ या गोपियों के साथ जो है वो जो है हम सोचेंगे कि ये भौतिक स्तर पर है, ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वे जो है आत्मनिर्भर है, आत्मराम है और माया जो है उनको कभी भी छू नहीं सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वो नित्यांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। क्योंकि माया अगर वो कोई भी अगर भगवान को वश में कर रही है, अगर भगवान किसी चीज में के वश में आ रहे हैं तो वो जो है आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति नहीं। वो आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति या जैसे कि उनका जो प्रतीक जो है श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान जब इस प्रकार से लीला करते हैं तो यहाँ पे बहुत डिटेल में यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। जो भगवान आनंद का रसास्वादन करते हैं उस आनंद का जो रसास्वादन है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो वे कैसे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अंतरंगा शक्ति है तो कैसे वे आनंद का रसास्वादन करते हैं? वे अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा। तो वो तीन है, कौन सी है? लादनी शक्ति या आनंद प्रदानी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है? लादनी शक्ति, आनंद प्रदायनी शक्ति। संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति एवं संविद शक्ति या ज्ञान शक्ति। तो ये तीन शक्तियां हैं और इन तीन शक्तियों के द्वारा ही भगवान जो है आनंद या अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं या दूसरों को जान सकते हैं। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वो संधिनी कहलाती है। क्या क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते किससे? संधिनी शक्ति से। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह संवित कहलाती है। एक तो एक ने अपने अस्तित्व बनाए रखने की शक्ति जो है संधिनी, संवित
जिससे वे खुद अपने अपने को जानते हैं, दूसरों को जानने के का जो मौका प्रदान करते हैं, जानने देते हैं, वो है संवेद। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वो आह्लादिनी कहलाती है। वेरी क्लियर। तो इन शॉर्ट कौन है? श्रीमती राधा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की आह्लादिनी और अंतरंगा शक्ति है, और इन अंतरंगा शक्ति के तीन विभाग है, संदिनी, संवित और आह्लादिनी। संदिनी जिसे भगवान अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, संवित जो वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को जानने का मौका प्रदान करते हैं, या दूसरा मतलब अनेक जीव जो है उनको जान सकते हैं, ये दूसरा, और तीसरा वो आनंद। तो ये क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति नहीं है, अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक है। तो अगर जो कुछ भी भगवान अनुभव करते हैं वे इन तीन शक्तियों के द्वारा, भगवान कृष्ण का शरीर सत मतलब शाश्वत, ज्ञान में चित तथा आनंद से पूर्ण है, उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूप में प्रकट होती है। तो ये तीन रूप में जो है आह्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, संदिनी उनके नित्य अस्तित्व का, और संवेचित अंश का पक्ष है, जिस ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो ये तीन शक्तियां यहाँ पे बताई गई है। संदिनी ही मेंटेन्स हिज एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, तो दैट इज कॉल्ड द लॉर्ड मेंटेन्स हिज एग्जिस्टेंस बाय दिस एनर्जी। संबित ही नोज हिमसेल्फ एंड causes others to know him, and third is ये आह्लादिनी or the joy which he enjoys or experiences the आनंद। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम का रूपांतर है, आह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। अब दो कार्य करती है आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण को आनंद देती है नंबर वन, और उनके भक्तों का पोषण करती है। आह्लादिनी करय कृष्ण आनंद स्वादन, आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। दो कार्य, पहला कार्य ये है कि वे आनंद देती है भगवान को और अपने भक्तों का पोषण करती। आह्लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंद महता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। तो अगर भगवान को आनंद का भोग करना है तो वो माया से नहीं छोड़, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही वे आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कि कम बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ जो भी भगवान, इसके लिए भगवान की जो लीला है वो बहुत दिव्य है, खास करके भगवान की लीलाएं जो है गोपियों के साथ की जो लीला है वो जो है सब लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा मन दूषित है, हम अपवित्र है,
और इस अपवित्र अवस्था में हम भगवान की ये दिव्य लीलाओं को, जो सबसे उत्तम स्तर की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ, ये जो माधुर्य रस है उसको जो है भौतिक दृष्टि से हम नहीं समझ सकते हैं। हमारी दृष्टि जो है आध्यात्मिक होनी चाहिए। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महागावादि निर्वापरम, जैस जिस जैसे ही। और ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे दिव्य मंत्र है। इस दिव्य मंत्र से का जब हम जाप करेंगे, हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, तो हम पवित्र हो जाएंगे। और फिर भगवान की ये दिव्य लीला को समझने के लिए हम जो है योग्य बन जाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। पर हम भक्तों के, शुद्ध भक्त के गुरुओं के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी और हमारे जो गोस्वामी है वृंदावन के शुद्ध गोस्वामी है, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भगवान की दिव्य लीलाओं को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हम जो है उनका नकल नहीं कर सकते हैं और हम जो है उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम जो है भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते। ये रागानुग भक्ति तक पहुंचना हमारे लिए खास करके इस कलयुग में कठिन है। इसीलिए वैदिक भक्ति रेकमेंड किया है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि सब नियमों का पालन करो, सुबह को जल्दी उठना है। महाराज कहते हैं कि 4:30 बजे तो एटलीस्ट मंगल आरती हमें करना है, अगर नहीं तो लेटेस्ट लेटेस्ट 5:30। गृहस्थ के लिए, गृहस्थ जीवन में भी हमें जो, अगर हम, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्यम, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की, और भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकृतिक कार्यो एवं उनके तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह इस जगत के वर्तमान अवस्था निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधनों से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सानिध्य प्राप्त करने और उनके तथा भगवान के बीच इलादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अगर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो भगवान की सब लीलाओं का हमें जो है समझना है, पर ये कठिन है। इसीलिए जो है भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हमें जो है कथा सुननी चाहिए, जैसे कि श्री प्रभुपाद और हमारे आचार्य, और श्री प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है, तब हो जो है हम जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये 3 शक्तियां हैं भगवान को, माया शक्ति या ये बहिरंगा शक्ति, ये भौतिक शक्ति छू नहीं सकती। और भगवान जब अवतारित भी होते हैं तो वे जो है इन शक्तियों के द्वारा ही आदान प्रदान करते हैं। वे उनको उनको और कोई, वे अपने आप को जान ही नहीं सकते। उनकी अस्तित्व जो है को बनाए रखने के लिए वे जो है ये संदिनी शक्ति के द्वारा ही वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते रख सकते हैं। वो दूसरे कोई शक्ति से नहीं, वे दिव्य हैं। इसीलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, और इनको जानने के लिए भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। एक आत्मा है राधा और कृष्ण,
पर भगवान ने श्रीमती राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो है इस राधा तत्व, इस राधा भाव को किस प्रकार से हम जान सके और भगवान के धाम में, कल हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अनेक अनेक स्थान है, लेकिन व्रज में एंट्री करना ब्रह्म संहिता में बताया गया कि वहां पे अनेक प्रकार के जो शूल है, ट्राइडेंट्स है, वो अंदर जाना कठिन है। सो दैट जर्नी हैज टू बी परफेक्ट। शुद्ध सत्व अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलेन कृष्णनु, कि हर समय जैसे कि हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य से ही तुरंत वो क्या की कि भाग गई, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करने के लिए वे तुरंत जो लग, तो ये श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के हम दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास अगर बनकर हम श्रीमती राधा रानी की जो कृपा पाकर जो है भगवान की कृपा पा सकते, अलोन और डायरेक्टली हम कृष्ण को नहीं वश, कृष्ण चंचल है, कृष्ण को वश कर, लेकिन श्रीमती राधा रानी जहाँ है भगवान वहीं पे स्थित रहेंगे। इसीलिए हम राधा कृष्ण कृष्ण लोग जो है अकेला भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति रखते, भगवान हमेशा अकेला, वे अपने प्रिय भक्तों के साथ जो है मेरे वे उनका एक स्वभाव है कि वे उनके गुण हैं, 64 गुणों में से वो एक गुण है कि वे अपने प्रेम भक्तों के साथ वो है जो है हमेशा जो है घिरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लादनी शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। तो ये एक जो है कार्य करती है इलादनी शक्ति या अंतरंगा शक्ति की, जो इलादनी शक्ति का जो सेक्शन है वो एक तो भगवान को आनंद देती है, दूसरा जो है जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की इलादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की इलादनी शक्ति का दूसरा उपमान है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य इलादनी शक्ति का प्रदर्शन है। सब कुछ श्रीमती राधा रानी, वो जो प्रेम या जो यहाँ पे बताया गया है कि भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान और भगवत प्रेम, ये श्रीमती राधा रानी है, यही शक्ति है, क्योंकि उस शक्ति से ही हम भगवान को के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे बताया गया है कि भक्तों का पोषण जो है श्रीमती राधा रानी करती हैं, इसलिए वृंदावन में सब जगह श्रीमती राधा रानी का ही गुणगान किया जा रहा है। और जब श्रीमती राधा रानी का गुणगान और जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, और जब हम श्रीमती राधा रानी की कृपा पाते हैं तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, समसिद्धि हरि तोषणम, भगवान हरि को प्रसन्न करना है, और अगर हम हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रीमती राधा रानी एक माध्यम है, और हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि वे जो है हमें हरि तक पहुंचाए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, तो आज जो है हमने श्रीमती राधा रानी का गोलोक में प्राकट्य, कल शायद हो सके तो भूलोक में प्राकट्य का भी
चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण माई माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास एंड सो इन्फॉर्मेटिव। वी गेट टू लर्न सो मच थिंग्स, सो मेनी थिंग्स अबाउट श्रीमती राधा रानी दैट वी हैव नेवर हर्ड बिफोर। थैंक यू सो मच माता जी। इट्स ऑल देयर, प्रॉपर हैज गिवन अस एवरीथिंग। आई हैव डन नथिंग, आई हैव जस्ट रिपीटेड व्हाट प्रॉपर हैज मेंशन एंड द डिवोटीज।